भाई ले भाई ये चेक करो भाई साहब, छठी महादेव डाक कावड़। ये आग लगी थी उस बाइक में, इसलिए कूदा था नहर में लेके उसे। रास्ते में हमारा ट्रक पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। यू ट्रक तो पूरा रेडी हो गया। मर गया भाई। तो गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हो सीएचपी के व्लॉग। गाइस आपको एक फाइनल चीज बता दूं, कल हम निकलने वाले हैं भाई डाक कावड़ लेने के लिए, मतलब अपने गांव से निकलने वाले हैं। और हरिद्वार से जल कब उठाएंगे वो तुम्हें तभी पता लगेगा जब हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। कल इतनी बड़ी समस्या होगी मेरे साथ, इतनी बड़ी समस्या होगी भाई। एक घंटे तक वीडियो बनाई गोप्रो की सेटिंग वेटिंग करके, भाई मेरी एक भी वीडियो नहीं बनी, सॉरी वीडियो करप्ट होगी, वॉइस भी नहीं आई, चिप भी करप्ट होगी, पूरा मामला ही खराब हो गया भाई। हरिद्वार ऐसा काम हो गया ना, पूरा मैटर ही खराब हो जाएगा। अच्छा अब BMW हमारे घर नहीं रहती, वो घेर में रहे। तुम्हें पता ही होगा कि हमने अपनी ट्रोली के आगे बना दिया उसे ट्रैक्टर। कोई बाइक ही नहीं मिल रही, मैं बाइक को मैं ट्रैक्टर बना सकूं। सर्च मिशन चलेगा भाई डाक कावड़ लाने के बाद, अभी सिर्फ भोले में ध्यान देना। और एक हमारा पीकू भी इतना ही भोला है, बहुत भोला है बेचारा भाई। रात किसी ने दरवाजे खड़खड़ाए और इसने भाई पूरा आतंक उठा दिया। चलते नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूँ पापा को लेकर ड्यूटी पे। स्कूलों की भी छुट्टी पड़गी, व्यू की भी छुट्टी पड़गी, पापा को देख लो, ड्यूटी जरूर करेंगे। पापा को छोड़ के भी आ जाऊँ, और जो इसका सिस्टम है माइक वगैरह दूसरा खरीद कर लाना पड़ेगा, वो खरीद के भी अपना भाई सारी चीजें एडवांस करके रखूंगा। सारे के सारे अपने गैजेट वगैरह बॉक्स में रख दिए। अपने दोस्त में से जो हेलमेट मिला वो भी टूटा हुआ मिला यार, हफ्ते से भी ज्यादा हो गया व्यू स्कूल में नहीं जा रहा। भगवान जी छुट्टी करवा दे, कभी स्कूल वाले छुट्टी करवा दे, कभी मौसम छुट्टी करवा दे, कभी ये खुद ही नहीं जाता। नहीं रहा कोई भी ऑफिस में, वो 200 रुपए 200 का नहीं लगा, 500 का तेल लगेगा। यूँ छोड़ का आवेगा फिर लेने जाएगा, फिर 1000 का हो गया तेल। इतनी दूर तक कराऊंगा वो पापा जाते भाई, पापा की तो छुट्टी करवा दी, मिनट में मम्मी ने लात लगवा दी, मैं सुबह 7 बजे उठा के रेडी करवा के ठीक टाइम पे तो उठ गया। आप ही ना बाबा भाई, किसी की मानने वाला नहीं है, ना मम्मी की ना मारी ना किसी की, अपनी मन मर्जी की करेगा। रेल ढूंढवा दी कि रेल किस टाइम की है, रेल में जाओगे बैठ के, बट भाई रेल पकड़ने के 10 ही मिनट है। जब भी कहा गाड़ी की पापा रुक जाओ, चाबी नहीं मिल रही, बट ठीक है रुक के रहेगा। ये पता नहीं क्यों खुश हो रहा यार, जल्दी ढूंढो यार गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही भाई, अपनी चमेली की चाबी खोगी। चमेली की चाबी कहाँ है, लेके कल चलाई चाबी नहीं मिल रही पापा, तो किसमें कहाँ जा रहा पापा? जय बजरंग बली की जय। जरूरी है पापा जाना, तब मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे, इतना पैसा कमा रहे, मैं तेरे पे बहुत गर्व करूँ, तुम बस मुझे पीछे देने भी शुरू कर दो, कमाओ कमाओ ना मेरे लिए। पापा मेरे लिए बहुत पैसे कमा रहा, बट भाई मुझे कोई पैसे नहीं देता। अगर क्यों, मुझे 50,000 रुपए बिना दे लगो। मैं 2 करोड़ दे दूंगा। आज पता लग गया था मैं चमेली की कीमत का, चमेली को नु कह रहे थे पापा नु करते वो करते है, आज चमेली काम आई। चल गई है तो खेकड़े आई, तू तो कहता 10 मिनट में लगे, 9:15 का टाइम है इसका, तो लेट है बाबा, कावड़ी होगी उस ट्रेन आने का राइट टाइम 9:15 था, 9:09 हो गए, 3 मिनट में मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता। बिजार पकड़न चलोगे, बिजार पकड़न तक, बिजार पकड़न के लिए बिजार चल पड़े। पापा जो मेरे धुरे इतने रुपए हो जा, बिजारों का चोट लग रही, मैं उनकी सेवा करूँ। पापा तब मजा क्यों नहीं देते अपने धुरते पैसे, मेरे धुरे हैं के बीच चोट बढ़ रहा है। बोले जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। हाँ सो भाई बुलंदशहर, हमारे यहाँ को निकल रहे थे ये, अपने घर भोले बाबा आ रहे, ये बुलंदशहर जा रहे थे, रास्ते में हमारा घर पड़ा ना तो हमारे घर ही आ गया। अब जा रहा हूँ मैं भाई सीधा पहले भोले बाबा के लिए कुछ बढ़िया सी चीज खाने पीने के लिए, भोले बाबा के लिए खाने पीने का सामान भी ले लिया। ये भोले अपनी वीडियो देखे थे और भाई हमारा गाँव रास्ते में पड़ा और हमारे घर ही आ गए यार, बहुत बढ़िया लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ले भाई अपने डाक कावड़िया के चौधरी साहब, शाम के टाइम चलना पड़ेगा भाई डीजे वीजे सेट करवाने के लिए। भाई साहब आरसी ना खुजा चमेली की, तो घनी गड़बड़ हो जाती, पीकू ना अटैक कर दिया सीधा बाबा के ऊपर। बड़े बाबा शुरू करो, एक बार मार्केट में जाना पड़ेगा भाई, माइक वगैरह सिस्टम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो डाक कावड़ लेके आनी है। और बोले बाबा भाई आराम कर रहे, सो रहे आराम से। ट्राई कर लिया भाई बट माइक नहीं मिल रहा यार, माइक नहीं मिल रहा, माइक की सेटिंग नहीं, बैटरी। दिल्ली जाऊंगा तो आज दिल्ली में करोलबाग की छुट्टी है, ये भी सामने आ गई भाई तगड़े वाली ऑफरोडिंग, और ये ऑफरोडिंग कोई नॉर्मल नहीं है भाई। देखते हैं भाई अपनी मारुति 800 यहाँ से निकलेगी क्या, शीशे चढ़ा लिए पहले, घुसने वाला है रुद्दा अंदर। बोल शंकर भगवान की जय, चल चमेली चल बैठी, चल बैठे, चल 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 बैठी भाई। गाड़ी में देखो क्या हाल हो गया, ले भाई साहब पर शेर नहीं है, लिगड़ का गई बार, मर गए भाई, शीशे तार तावड़ा, ट्रैक्टर ट्रोली भी फंस जाए यहाँ, बट भाई चमेली को देख लो लिगड़ का गई।
गैंग वाले मिल गए भाई साहब, इतने सारे गैंग वाले, ये कह रहे कि गाड़ी में हम भी बैठ के चलेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि ये गाड़ी में आप भी जाओगे क्या। बंद कर इसे, बंद कर। गाड़ी के अंदर चेक करो भाई कितने आदमी है, एक में दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, सारे के सारे पीछे बैठ गए। ला भाई आ जाओ जल्दी जल्दी उतरो भाग के। पूरी गाड़ी गंदी होगी, ऑफ रोडिंग कर दी बड़ी खतरनाक। ऑफ रोडिंग करने के बाद हालत देख लो गाड़ी की क्या होगी। पूरी गाड़ी की हालत चेक कर लो यार, पूरी गाड़ी के अंदर धूल धूल भर गई, यहाँ भी धूल धूल धूल, ये भी धूलम धूल भाई साहब। या तो इतनी तगड़ी गाड़ी लगी मजा, कोई भी गाड़ी हो इसके सामने फीकी है भाई। चलते हैं ट्रक को सेट करवाने के लिए, जिस ट्रक में हम बैठ के जाने वाले हैं डाक कवर लेने के लिए, ट्रक को पूरा सेटअप करवाना पड़ेगा भाई। अपनी टीम वाले कुछ लोग तो पहले जा रहे, जो अपने साथ जाने वाले हैं बोले। अब भाई ये वाला पूरा सेटअप तैयार हो गया, माइक वगैरह लग के बिल्कुल रेडी हो गया, भी टेस्टिंग कर लेंगे। बट कल भी भाई मैंने बहुत टेस्टिंग करी, कल तो पूरी टेस्टिंग ही खराब हो गई यार। मैं एक घंटे तक बोलता रहा, रिजल्ट मिला जीरो। एक बार और टेस्टिंग करेंगे इसकी, देखते हैं भाई अगली बार ये पूरा सेटअप हमारा कामयाब होगा या नहीं होगा। गोप्रो लग गया, माइक लग गया, हेलमेट पहन के मैं रेडी हो गया, माइक वगैरह भी लग गया। आज तुम्हें कैसी सुनाई दे रही है बताना। अभी जाने वाले हैं इस स्प्लेंडर पे, ये अपने भाई की स्प्लेंडर है। तुम एक बात बताओ, मेरे को ना सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिस हेलमेट में हमने सेटअप कराना इसमें हवा जर से भी अंदर नहीं जानी होगी, थोड़ी हवा आनी शुरू हुई वरना सांस घुट रहा था हेलमेट के अंदर। इस टाइम अपने पास एक सुपर बाइक हो गए ना, और भाई साहब ये हेलमेट लग रहा हो, गोप्रो लग रहा हो, तकड़े वाली मोटो व्लॉगिंग होगी भाई साहब। ये सूर के बच्चे कहाँ घूम रहे। बट भाई अपने पास सुपर बाइक नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास बबली तो है, और बबली किसी सुपर बाइक से कम नहीं है। ओ भाई साहब इतनी भीड़, कावड़ शुरू होगी ना, सब अपने ट्रक को तैयार करवाने लग रहे, बहुत सारे लोगों को इंतजार था कब जाओगे कावड़ लेने के लिए। फाइनली गाइस हम निकल पड़े हैं, सॉरी अभी नहीं निकले, निकलने वाले हैं डाक कावड़ लेने के लिए। हमारे गाँव में से दो डाक कावड़ जाओगे ना, डीजे सेट होने लग रहा है इस पे भी, हमारे वाला ट्रक दूसरा है। चल मेरे भाई ताऊ भगा, स्प्लेंडर से तो मैं ताऊ को ही कह सकूं कि भगा मेरे साथ भगा। हमारे पास सुपर बाइक हो गए तो हम किसी भी बड़े आदमी को भी कह सके। ये देखो भाई बोले कैसे रेस कर रहे, ये बबली तो है नहीं, बबली की छोटी बहन है कोई। हमारे इलाके के लोग ना थोड़ा अचंभित से हो जाओ, इन्हें कहीं यू ढोपरा सा लगा रखा अपने हेलमेट पे। बट इन लोगों को पता नहीं अभी कि यू कितना खतरनाक सामान है, यू तुम लोगों की वीडियो बनाने लग रहा जब तुम लोग ही सारे कर रहे ना एक दूसरे की तरफ को, वो सब कुछ रिकॉर्ड होने लग रहा है इसमें। इसमें तेल डलवाया भाई, सुई तो उठी नहीं इसकी, कोई बात नहीं अपना फर्ज था इसमें तेल डलवाने का, हमने डलवा लिया। हवा तो सुनाई नहीं दे रही, झरझर की आवाज तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें चेक करने के लिए मैं मोटो व्लॉग कर रहा, ताकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, गड़बड़ तो नहीं हो रही, बढ़िया आवाज आ रही ना, सुनाई बढ़िया दे रहा ना। तुम लोग बताओगे तभी मैं समझ पाऊंगा। फुल सेवा कर रहे पुलिस वाले कावड़ियों के लिए, ताकि कोई भी कावड़िया दिक्कत में ना आ सके। थैंक यू पुलिस वाले अंकल को, जो भी कावड़ लेने के लिए जा रहा उन लोगों में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करो, और बिल्कुल भी बदतमीजी मत करो यार पुलिस वाले अंकल की गैल। बट भाई मैंने फुल स्पीड दे रखी 90 की स्पीड, भाई साहब 90 भाग रही है बाइक, चप्पे चप्पे पे पुलिस। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। इतना खुश मैं कभी पुलिस वालों से हुआ नहीं जितना खुश कावड़ियों के टाइम पे होना पड़ा है, इतनी सेवा पानी इतनी सुविधा। पुलिस वाले अंकल बहुत बहुत थैंक यू यार, तुम्हें कितनी बार थैंक यू बोलूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम हर जगह मुझे दिखाई दे रहे। ओ मेरे भाई इतने लंबे हाथ फैला रहा, मेरे थोपड़े पे कैमरा लगा हुआ देख कर सब मजा देख रहे, जो कर मैं आतंकवादी हूँ यार। मोटरसाइकिल में क्या हो गया, सामली में एंट्री करती बंद हो गया तो। अरे मेरे भाई कावड़िया हो, अरे मेरे भाई कावड़िया हो, सब कावड़िया है मेरे भाई, ये सब कावड़िया है, बताऊं कुकर पिछाड़ो है कावड़िया होगी सब। अरे मेरे भाई ताई वाले सबकी मोटरसाइकिल के तो भाई मैं साइलेंसर उतरे हुए मिलेंगे, फटका पटापट 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 होता रहेगा। पहला जमाना बढ़िया था ना, कुछ करना पड़ा था, खावे थे सोवे थे इंजॉय कर रहे थे, अपना खेत में रहे थे। इब जब भाई टेंशन इतनी होगी भाई, बच्चे अलग अलग प्यार व्यार हो रहा, कहीं बाहर जावे कॉलेज में फर्स्ट साइट लव हो रहा किसी को, किसी को सेकंड साइट लव हो रहा, नहीं तू ना पहले मम्मा पर मेरी आंख रोड पर है ना, तो 99.99% चांस है मेरा एक्सीडेंट नहीं होने का। एक कहावत भी सुनी होगी, नजर हटी दुर्घटना घटी, और मेरी गैल वही काम हुआ है, मेरी नजर हटाई दुर्घटना जीप घटा है, एक ही फैल हो गए तेल ही खत्म हो गया, जीप तो हो सके कुछ। जब भगवान चाहोगा ना ऑन द स्पॉट यही मारता का जानता है, एक मिनट नहीं लेने का। स्विफ्ट वाले भाई तुम्हारे तक था हमारे गाँव में, अरे हम तेरे तक गया सामली में, दिल में ना एक ऑटोमेटिक खुशी हो गया, लगता होगी हम बहुत अच्छा कर रहे यार, मन में तो बहुत खुशी है यार हम कावड़ देने जा रहे भाई, मैं बता नहीं सकता यार, दिल में ना धक 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 हो रही, सब डाक कावड़ी हो गए, ट्रक तैयार हो लग रहे हैं। अब हमें अपना ट्रक ढूंढना पड़ेगा कि हमारा ट्रक कौन सा है हमारा, यू वाला ट्रक है हमारा, ये भी ले गई हूँ। मेरे भाई ड्राइवर क्या हाल हो रहे, आज मैं पहली बार ट्रक चला रहा था इसका उतर गया, इनका चलाऊ नहीं ऊपर नहीं बैठे जाओ, जिम नीचे बैठा गाय जी, पहली बार ऊपर एक बैठा था मैं ट्रक चला रहा था, वो ऊपर तक गिर गया, बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, बट इनकी बार इन्हें बता दी बैठ लग जाओगे ना जो ये लोहे के गाटर है तो ये और मजबूत हो जाओगे, ये हिलने के नहीं। फिर जोन डियर खड़ा सच्चू वाला जोन डियर मारे दो रहा, तो वो छोटा सा जोन डियर है भी होगा, चंगारी ठहरा है तो क्या लगा रहा कैमरा हम ऊपर,
रास्ते में हमारा ट्रक पुलिस वालों ने पकड़ लिया था भाई, वो तो सुख रहा है पुलिस वालों ने बाद में छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, डाक अकाउंट में लेने के नहीं जाने, क्योंकि इसकी हालत ही ऐसी नहीं थी कि डाक अकाउंट में जाओगा। वेल्डिंग का काम पूरा जोर जबरदस्त तरीके से चल रहा है, परसेंट भी भाई डुल के डाटर लिए ना तो सीधा धड़ाम तो पड़ेंगे, सारा सिस्टम नष्ट हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ट्रक तो पूरा रेडी हो गया भाई, इसमें डीजे सेट होना, डीजे सेट होगा विराल। ले भाई ये चेक करो भाई साहब, छठी महादेव डाकावर्ड, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो मां काल का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काम तो फाइनल हो गया, अब निकलते हैं भाई गांव की तरफ। ट्रक आओगा सुबह 5 बजे। भाई का खाना पीना हो गया, तर वगैरह लगा दिया, लेकिन जमीन पे लेटेंगे, बोले भाई ऊपर तो लेट नहीं सकते, के टाइम निकलेंगे यहाँ से अपनी यात्रा पे। सेवा पानी जो हमसे हो रही भाई, हम सेवा पानी कर रहे हैं, हमने भी अपना ट्रक वगैरह बिल्कुल रेडी कर लिया, कल सुबह डीजे वीजे सेट कर देंगे। आग लगी थी उस बाइक में, इसलिए कूदा था नहर में लेके उसे। भीग जानते, भीगने से क्या हो, होता नहीं कुछ नहीं होता।